So guys, करते हैं शुरू टेक स्टफ का एक और नया एपिसोड सैमसंग के साथ. सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के प्रोटेक्टिव केसेस आज लीक हो गए हैं. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. दिस इज व्हाट द गैलेक्सी S22 प्लस एंड द गैलेक्सी S22 अल्ट्रा आर रिपोर्टेडली आर एलिजिबली गोइंग टू लुक लाइक. Xiaomi लग रहा है कि यार नवंबर में अपने MIUI 13 OS को अनवेल करने वाला है. Xiaomi ने MIUI 13 के बारे में टीजर सब पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं और काफी जल्दी आपको Xiaomi की तरफ से MIUI 13 अब देखने को मिलने वाला है. Redmi Note 10 Lite भी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस स्मार्टफोन को अब लिस्ट कर दिया गया है. ये एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन होने वाला है और इंडिया में इसकी प्राइसिंग 13,749 रुपीस होने वाली है. iPhone 14 mini हो सकता है हमें ना देखने को मिले. As it turns out guys, iPhone 12 mini और iPhone 13 mini की सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हुई और इस बारी हमें iPhone 14 Pro Max के अलावा iPhone 14 Max ये भी देखने को मिलने वाला है. इस स्मार्टफोन में हमें एक 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और ऑफ कोर्स iPhone 14 सीरीज में भी हमें चार वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, बट iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max और साथ में iPhone 14 Max ये चारों स्मार्टफोन्स हमें अगले साल देखने को मिलने वाले हैं. माइक्रोमैक्स ने इन नोट 1 की प्राइसिंग को इंडिया में स्लैश कर दिया है 1500 रुपए से. माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का 4GB 64GB वेरिएंट अब आपको इंडिया में 9499 रुपीस में देखने को मिल जाता है. सो यस, इफ इन केस आप माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, नाउ माइट बी द बेस्ट टाइम टू डू सो. Realme की फर्स्ट एवर वॉशिंग मशीन लाइनअप भी जल्दी अनवेल होने वाली है और Flipkart पे Realme की आने वाली दोनों वॉशिंग मशीन्स, मतलब एक 7.5 kg वाली वॉशिंग मशीन है और दूसरी आपको 8 kg वाली वॉशिंग मशीन देखने को मिलने वाली है. इन दोनों की प्राइसिंग को लिस्ट कर दिया गया है. गाइस, एज इट टर्न्स आउट Realme 7.5 kg वॉशिंग मशीन की इंडिया में प्राइसिंग होने वाली है 19,990 और 8 kg वाले काउंटर पार्ट की प्राइसिंग होगी 26,490. वैसे मेरे को लग रहा है कि यार अभी के लिए इस लिस्टिंग में प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा बताई गई है और जब ये वॉशिंग मशीन्स इंडिया में लॉन्च होंगी इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल सकती है. अपडेट्स टाइम गाइस, Facebook ने Instagram के रील्स फीचर को अपने प्लेटफॉर्म पे भी अब इंप्लीमेंट कर लिया है. अभी के लिए यूएस में, बट काफी जल्दी ग्लोबल मार्केट में हमें फेसबुक में रील्स की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है. Skype या Skype ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा विजुअल ओवरहॉल अब इंट्रोड्यूस कर दिया है. इस अपडेट के बाद Skype में आपको एक कॉल स्टेज फीचर देखने को मिलता है जिसमें क्या होगा, सारे के सारे कॉल पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को देख पाएंगे. नॉट जस्ट दैट गाइस, थीम्स की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है और काफी सारे आपको नए फीचर्स इस अपडेट के बाद Skype एज अ प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाते हैं. परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो यहां पे काफी आपको इंटरेस्टिंग फिगर्स देखने को मिलने वाली हैं, बिकॉज़ Skype कह रहा है कि यार 30% आपको डेस्कटॉप पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है और एंड्रॉइड डिवाइसेस में 2000% की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको इस अपडेट के बाद Skype में देखने को मिल जाती है. Samsung Galaxy Z Fold 3 इंडियन यूनिट्स में फाइनली Samsung ने एक नया अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया और इस अपडेट के बाद सितंबर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच Samsung Galaxy Z Fold 3 के इंडियन यूनिट्स में आपको देखने को मिल जाता है. लॉन्चेस टाइम गाइस, Moto Tab G20 8 इंचेस डिस्प्ले के साथ इंडिया में 10,999 रुपीस में लॉन्च कर दिया गया है. Moto Tab G20 दिखता कैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro Plus ये दोनों भी आज इंडिया में लॉन्च हो गए हैं. इनकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, ये दिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. POCO C31 आज इंडिया में लॉन्च हो गया है. इस स्मार्टफोन के 3GB 32GB वेरिएंट की इंडिया में प्राइसिंग है 8499 रुपीस. इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग वैसे स्मार्टफोन की 7999 रखी गई है और POCO C31 की भी सारी डिटेल्स, ये स्मार्टफोन दिखता कैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. Linksys ने इंडिया में अपने एक नए Wi-Fi 6 राउटर को लॉन्च कर दिया है. ये एक मेश राउटर है और अगर आप एक सिंगल यूनिट को लेना चाहते हैं तो इंडिया में इसकी प्राइसिंग है 14999 रुपीस और अगर आप डबल पैक को लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइसिंग इंडिया में है 28999 रुपीस. Amazon से आप इस नए Wi-Fi 6 राउटर को अब इंडिया में ले सकते हैं. गेमिंग न्यूज टाइम गेज, Netflix का मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म स्पेन और इटली में भी अब अनवेल हो गया है. काफी जल्दी ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में भी हमें Netflix मोबाइल गेमिंग देखने को मिलने वाली है. मार्वल की अवेंजर्स गेम मैंने आपको कल बताया था कि Xbox गेम पास पे अगले महीने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलने वाली है और एक और तगड़ी
न्यूज यहाँ पे निकल के आई है। बहुत टाइम से इसके बारे में हम लोग सुन रहे थे कि यार कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर पैक हमें देखने को मिलेगा इस गेम में। नाउ इट हैज ऑफिशियली बीन कंफर्म्ड और काफी जल्दी आपको मार्वल की अवेंजर्स गेम में कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर स्किन देखने को मिलने वाली है। निंटेंडो स्विच का एक 4K वर्जन भी जल्दी ही अनवेल होने वाला है। इसके बारे में काफी टाइम से र्यूमर्स और लीक्स निकल के आते जा रहे हैं। एज इट टर्न्स आउट र्यूमर्स कह रहे थे कि यार निंटेंडो ने कुछ डेवलपर्स को इस आने वाले कंसोल के लिए टूल्स को भी पुश करना शुरू कर दिया है, बट आज निंटेंडो ने इन सारे क्लेम्स को डिबंक कर दिया और निंटेंडो कह रहा है कि यार फिलहाल के लिए निंटेंडो स्विच ओलेड 8 अक्टूबर को अनवेल होने वाला है और ऐसा 4K कंसोल हमारी तरफ से अभी हाल फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलने वाला। सर्टिफिकेशंस टाइम गाइस, Realme से करते हैं आज की सर्टिफिकेशंस शुरू। Realme Q3S में हमें 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Realme Q3S आज सर्टिफाई हो चुका है। iQOO का एक और नया स्मार्टफोन, इसका मॉडल नंबर है V2136GA, आज 10A सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है। ये स्मार्टफोन दिखता कैसा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस स्मार्टफोन में एक 2120mAh की डुअल सेल बैटरी देखने को मिलने वाली है। 48+13+13 रियर कैमरा सेटअप हमें iQOO के इस आने वाले नियो सीरीज के स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। Xiaomi जल्दी ही दो नई बच्चों की स्मार्ट वॉचेस को अनवेल करने वाला है। इनका नाम होगा Xiaomi Mi Kit स्मार्ट वॉच 5 Pro और Xiaomi Children's Learning Watch 5 Pro। ये दोनों स्मार्ट वॉचेस आज ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुकी हैं। Xiaomi वैसे अपने एक और नए बहुत ही तगड़े स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है और इस स्मार्टफोन में हमें एक 4K डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, 4K OLED पैनल देखने को मिलने वाला है। साथ में ये स्मार्टफोन जस्ट 6.98mm थिक होगा और इस स्मार्टफोन में एक 4400mAh की बैटरी हमें देखने को मिलने वाली है। 10A सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Xiaomi का ये स्मार्टफोन भी आज सर्टिफाई हो चुका है। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, POCO के आने वाले दो स्मार्टफोन्स, C31 तो आ गया, इसके बाद दो और स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं जो कि प्रिज्यूमेबली POCO X4 और POCO M4 हो सकते हैं। ये दोनों स्मार्टफोन्स आज इंडिया की BIS पे भी सर्टिफाई हो चुके हैं। ऑन दैट नोट गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो भी हर बार की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आगे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, पलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद।